नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों बच्चों, आपके लिए आज मैं मुंज के दोहे लेकर आई हूँ। मुंज कौन थे? मुंज मालवा के राजा थे और उनका पूरा उनको टाइटल दिया गया था वाकपति द्वितीय का। वाकपति मुंज भी कहते हैं उनको। और वो परमार वंश के राजा थे और वो राजा भोज जो हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये जो राजा भोज हैं परमार वंश के राजा, उनके चाचा हैं ये मालव, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर इनका यह जो काल है यह परमारों के लिए गौरव का काल है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने उपाधियां धारण की थी, एक तो श्री वल्लभ की, पृथ्वी वल्लभ की, अमोघ वर्ष की आदि आदि। तो वाकपति मुंज ने हूणों को भी पराजित किया था इतिहास में अगर हम नजर डालें तो, और एक सफल विजेता होने के साथ साथ वो कवियों और विद्वानों का सम्मान भी करते थे और स्वयं भी एक कवि थे। तो अभी उनके जो दोहे हैं बहुत ही अच्छी सीख देते हैं उनके दोहे, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला दोहा शुरू करेंगे, चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपण पई प्रभु होई, कई प्रभु कीजिए हथ। अब राजा मुंज कहते हैं कि या तो आप प्रभु हो, आपण मतलब आप स्वयं ही प्रभु हो जाइए, या फिर होई कई प्रभु कीजिए हथ, या फिर प्रभु को अपने हाथ में कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रभु का अर्थ भगवान नहीं है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर प्रभु का अर्थ है कि प्रभु मतलब सामर्थ्यवान, शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है उसको, या तो व्यक्ति स्वयं सामर्थ्यवान हो, स्वयं शक्तिशाली हो, कोई कार्य करना है ना आपको, तो या तो आप स्वयं उस कार्य को करने में प्रभु हो, समर्थ हो, या फिर जो व्यक्ति वह कार्य कर सकता है आप उसको अपने हाथ में कर लीजिए, यानी कि अपने काबू में कर लीजिए, अपने वश में कर लीजिए। काज करेवा मानुष तीजियो मागुणा अथि, यानी कि काज करने वाले, काज करेवा मतलब काज करने वाले, यानी कि काम करने वाले, काम करने वाले मानुष मनुष्य के लिए तीजो मार्ग ना अथ, तीसरा मार्ग नहीं है। कहने का अर्थ क्या कि दो ही मार्ग हैं काम करने के लिए, एक काम करने वाले मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं, कौन कौन से, या तो वह स्वयं प्रभु हो यानी कि स्वयं उस कार्य को करने में समर्थ हो, या फिर वह जो कार्य सामने वाला व्यक्ति जो प्रभु है, जो है दूसरा व्यक्ति अगर कोई कार्य करने में समर्थ है और आप स्वयं समर्थ नहीं है, तो उस समर्थ व्यक्ति से, उस समर्थ व्यक्ति को अपने वश में कैसे करना है यह आपको आना चाहिए। तो काम करने के लिए केवल दो ही तरीके होते हैं, यह मुंज कवि हमें सिखा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने नीति की सीख दी है हमें इस दोहे से, बहुत ही अच्छा दोहा है। अब आगे पढ़ेंगे। महीवेढ़ सराचर चह जिणी सिरी दीणा पाए। मुंज यहां पर कहते हैं कि यह जो मही यानी कि जो धरती है, इस धरती और इस सराचर जगत के सिर पर, जिणसिरी जिसके सिर पर, यानी कि इस धरती और इस चराचर यानी कि इस धरती में जितने भी चर प्राणी हैं, चर अचर प्राणी हैं, इन सबके सिर पर जिसने पैर रखा और दिन को, दिन की प्राप्ति इनको करवाई। कहने का अर्थ क्या, इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर एक बात को कहा है। कहने का अर्थ क्या कि दिन जिसकी वजह से होता है, सूर्य की वजह से दिन होता है, तो दिन जिसकी वजह से होता है, जिसने कहने का कि धरती के ऊपर पैर रखा और दुनिया के लिए दिन को, दिन की शुरुआत कर दी, तस अथमण देख सरह हो चिराय, हो तो हो चिराय, कि उसका भी तो अथमण हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त भी तो होता है, सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा। सूर्य जिसने शुरुआत की धरती पर, दिन की शुरुआत की, सूर्य की किरणें अपनी देकर, उसका भी तो शाम को समाप्ति होगी ना, उस सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा, यहाँ पर तो दिन की समाप्ति भी तो होगी, सूर्य अपनी अंतिम किरणें भी तो डालेगा वहीं पर धरती के ऊपर। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि देखिए हो तो हो चिराए, यानी कि जो होनी है वह तो होकर ही रहती है। कहने का अर्थ कि भाई जो दूसरों को रोशनी देता है, इतना महान व्यक्ति, इतना महान देवता भी एक ना एक दिन उसको अस्त होना पड़ता है। कोई एक समय आता है जब सूर्योदय होता है, कोई एक समय आता है जब सूर्यास्त भी होता है। तो सूर्य से ज्यादा महान तो कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि सूर्य पर ही हमारी तो पूरी पूरा जीवन निर्भर करता है। तो वह भी अगर अस्त हो जाते हैं तो कहने का अर्थ क्या, मुंज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो होनी है वह होकर ही रहती है, अर्थात जो कार्य होना है, जिस तरह से हमारे भाग्य में, जिस तरह से वह लिखा गया है, वह होकर ही रहेगा, चाहे हम जितने भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा होना है तो वह होकर ही रहेगा। हाँ, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होना है, और चाहे हम जितने भी सामर्थ्यशाली ना हो, लेकिन अगर हमारी किस्मत में कोई चीज अच्छी लिखी हुई है तो वह हमें अच्छी चीज भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह होनी है। होनी का अर्थ या बुरा ही नहीं लेना चाहिए, होनी का अर्थ अच्छा भी होता है। तो जो भी अच्छा और बुरा, जो भी हमारी किस्मत में लिखा है, वह तो होकर ही रहेगा, क्योंकि देखिए सूर्य भी एक
समय आता है जब अस्त हो जाता है, तो उसका उदाहरण देकर मुंज जी ने कहा कि जो होने वाली घटना है वह तो होकर ही रहती है। देखिए इस दोहे के साथ में तो हम सभी रिलेट कर सकते हैं। इसमें मुंज कहते हैं, जामति पच्छह संप जी सामति पहली होई, कि जो हम जैसे कोई वाक्या होता है, कोई घटना होती है, उस समय पर हमारी बुद्धि उस समय पर काम नहीं कर पाती, बाद में हमारी मति कहती कि ओहो उस समय पर हमें ऐसा कर देना चाहिए था। तो यहीं पर मुंज कहते हैं कि वो मृणाल मृणालवती को कहते हैं, मृणावई जो लिखा होना ना, मृणावती को कहते हैं कि मेहे मृणावती, जो बुद्धि हमारी पच्छह यानी कि पीछे से बताती है, उत्पन्न होती है, वह अगर पहले हो जाए तो फिर कोई विघ्न बेढ़ ही ना कोई, फिर वह कोई नया विघ्न हमें हमें दुखी नहीं कर सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता। कहने का अर्थ क्या कि हम अधिकतर जो होता है कि उसी समय पर अगर बुद्धि सही का इस्तेमाल करें, जब समय पर वह घटना हो रही है, तब उसके बाद में जो हमारी बुद्धि है अगर उस समय पर काम कर दे, तो फिर तो जो कार्य है हमारा वह बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्विघ्न रूप से हो जाएगा। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है, अधिकतर लोगों को यही दिक्कत होती है कि ओ हो ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। तो आशा करती हूँ आपको वाक्पति मुंज के दोहे अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी